नमस्कार, मैं उर्विका सारस्वती नैनी 64 में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम आए हैं तिजारा बाईपास पर। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कमेटी ने बैठक रखी है, जिसमें वो लोग चुनाव में खड़े होने वाले कार्यकर्ताओं को बायोडाटा ले रहे हैं, जिसके हिसाब से वो देखेंगे कि किसको टिकट देनी है और किसको नहीं देनी है। तो आइए हम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, जो चुनाव में खड़े होने के भागीदार होने वाले हैं, उनसे बातचीत करते हैं, देखते हैं वो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के जो कमेटी के सदस्य हैं, उनसे बात करते हैं कि वो किन मुद्दों पर लोगों को टिकट देने वाले हैं। सर, आज जो बायोडाटा है उसमें बहुत सारे यूथ और आपके वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने दावेदारी जताई है, तो किस तरह से चयन होगा, किनको तरजीह दी जाएगी? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे रविंदर जी जैन साहब, बहुत अनुभवी जो पार्टी के कार्यकर्ता भी रहे और सीनियर कार्यकर्ता हैं, और हमारे हामिद भाई, इन दोनों को जो पार्टी ने यहाँ पर लगाया है प्रभारी और सह प्रभारी के नाते, तो इनका भी अनुभव होगा। और तिजारा में जिस तरह का माहौल है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, वो आप लोग मीडिया वाले स्वयं देख रहे हो। अभी हजारों की संख्या में कितने कार्यकर्ता आए हैं, कितने लोगों ने बायोडाटा दिए हैं। और अभी मैं कल परसों, मेरे को कोई बता रहा था कि हमारे विधायक एक न्यूज़ पे बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के पास तो कैंडिडेट ही नहीं आ रहे हैं। तो मैं अभी आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आपने भी देखा है स्वयं ही कि कितना उत्साह है लोगों में, कितने लोग, करीब करीब 102 बायोडाटा आ चुके और 18-20 ZPS में आ चुके हैं, और बाकी अभी तो लोग आ ही रहे हैं। तो तय तो पार्टी के सीनियर जो हमारे लोग हैं उन्होंने करना है। जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा, जिसकी भारतीय जनता पार्टी के प्रति आस्था होगी, उसको पार्टी चयन करेगी। दल बदलू को कहीं बसपा से आए कांग्रेस में, कांग्रेस से फिर बीजेपी में, फिर कहीं और, उनका कुछ ठिकाना नहीं है। ऐसे लोगों को मुझे नहीं लगता कि हमारी पार्टी तवज्जो देगी। जी, तो क्या मुद्दे रहेंगे खास जिनको लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? यहाँ तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा चरम पर है। कितने यहाँ पर कितने ही विधायक बने हैं इससे पहले, हमारे गुरु जी सम्माननीय मामन जी यहाँ से विधायक रहे हैं, इन पे कोई एक करप्शन का चार्ज लगा के दे बता दे, किसी अधिकारी से बात का चार्ज लगा दे, इन पे बेबागी से विधायकी की, इतना विकास किया, ये उस विकास पे, उस पे जो बनाए रोड हमारे, उन पे ये थेगली तक लगवा देना, और चरम पर जा रहा है भ्रष्टाचार। चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई तहसीलदार हो, चाहे कोई यहाँ का कोई SHO हो, आप लोगों के सामने है। अभी मेरे को बता रहा था कि उसका रियल रिश्तेदार है, उसकी कोई ट्रैक्टर पकड़ लिया था, वो छुटाने गया था, उसने वहाँ स्वयं उसके घर पे बोल दिया कि यार ये कैसे नहीं सुन रहे पुलिस वाले, क्या इनसे पैसे लेते हो क्या? तो इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है, तो अब तो सब जग जा ही रहे, इसमें मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, और इसका जवाब जनता अभी चुनाव में दे देगी इसको। तो क्या लगता है इस बार पूर्ण बहुमत से वोट बना पाएंगे? बिल्कुल, हमारे अल्पसंख्यक की तरफ से भी हमारे हामिद भाई को लगाया है, हमें उम्मीद है। हमारे वहाँ से भी, मेव समाज से भी 2-3-4 जो लोग जीत के आएंगे भारतीय जनता पार्टी के, तो वो निश्चित तौर पर वोट बनाएंगे। और हमारा अनुभव है, हमारे गुरु जी और हम सब, हमारी पूरी टीम एक है, किसी के कोई दिमाग में ये हो कि ये अलग है या कोई बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी जिसको भी सिंबल देगी वो निश्चित चुनाव में जीत के जाएगा।